नमस्कार दोस्तों दोस्तों एस्ट्रो एंड यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पंडित राजेश चंद्र जोशी। दोस्तों व्रत त्योहारों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे रंभा तृतीया व्रत के बारे में। जानेंगे कि रंभा तृतीया व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों रंभा तीज या रंभा तृतीया व्रत 13 जून रविवार को है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ने वाले इस व्रत को रंभा तीज व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं और व्रत रखती हैं। यह व्रत अप्सरा रंभा से भी जुड़ा माना जाता है, इसलिए इनका सुमिरन भी किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत करने वाली स्त्रियों को सौभाग्य, यौवन और सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार अप्सरा रंभा ने भी यह व्रत किया था, इसलिए इस व्रत को रंभा तीज के नाम से जाना जाता है। सौभाग्य के लिए इस व्रत में धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं रंभा तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों रंभा तीज व्रत का शुभ मुहूर्त तीज तिथि का आरंभ 12 जून शनिवार को रात्रि 8:19 पर होगी तथा इसका समापन 13 जून रविवार को रात्रि 9:42 पर होगी तथा इसका व्रत 13 जून रविवार को ही किया जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं रंभा तीज को व्रत की पूजा विधि। रंभा तीज करने वाले जातकों को सूर्योदय से पहले उठकर अपने नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ पार्वती, भगवान शिव और लक्ष्मी जी का भजन कीर्तन आराधना करना चाहिए। इसके बाद घर के ही पूजा घर में साफ सफाई कर पूजा घर समेत पूरे घर में गंगा जल से पवित्रीकरण करना चाहिए। पूजा घर को गाय के गोबर से लीपने के बाद रेशमी कपड़ों से मंडप बनाना चाहिए। इसके बाद आटे और हल्दी की मदद से स्वास्तिक बनाना चाहिए। व्रती को पीले रंग के आसन पर बैठकर सभी देवों को प्रणाम करना चाहिए। 5 घी के दिए बनाकर रख लें और लाल चूड़ियों को भी पूजा में रखें। अब गणेश जी की पूजा करें और फिर 5 घी के दियों की और चूड़ियों की। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। माँ पार्वती को कुमकुम, चंदन, हल्दी, मेहंदी, लाल फूल, अक्षत एवं अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें। इस प्रकार इस व्रत का महत्व है और यह पूजा विधि है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप अवश्य ही इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उन्हें भी यह जानकारी मिल पाए। तथा दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आगामी इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोज आपको जल्द से जल्द मिल जाएँ।